टैब्ल्यू की वर्क स्पेस कैसे दिखती है इस लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अमारतुफेल और मैं आपको टैबल्यू सिखा रहा हूँ तुझे सीख रहे हो कि नहीं ऐसा हो कमेंट सेक्शन के अंदर लेट्स जंप इन टू द स्क्रीन यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं डबल क्लिक अपना टैबल्यू पब्लिक जो है उसे ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने टैबल्यू को ओपन किया तो मेरे पास कुछ इस तरीके से पेंज uh, आ रही हैं पेन्स पी ए एन ई एस पेंस की बात करूँ दर्दों वाली पेन की बात नहीं कर रहा सो ऑन द टॉप यू विल सी फाइल डेटा एंड हेल्प हेल्प के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आप अपडेट भी कर सकते हैं लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस भी हैं परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से अपनी मशीन की परफॉर्मेंस करनी है ट्रेनिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बेसिकली डिफरेंट किस्म के लर्निंग मटीरियल्स ओपन हो जाएंगे तो आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर से ट्रेनिंग मटीरियल्स यहाँ से ओपन कर सकते हैं फिर कम्युनिटी है आपके पास फिर उसके बाद अबाउट टैबल्यू पब्लिक है और यहाँ से आपको वर्जन्स पता चल जाएंगे मेरे पास जो इस वक्त है वो का है, 2024 का वर्जन है विच इज़ टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वन समथिंग समथिंग यहाँ पे अवेलेबल है एंड यू कैन व्यू दैट वर्जन हियर ठीक है तो मेरे पास ये वाला वर्जन जो है इसे मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड दिस इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो चेक ऑन योर ऑन वर्जन मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ बंद करने के बाद लेफ्ट साइड पे हमारे क्या है उसे देखते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास कनेक्ट है कनेक्ट के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डेटा हम लेके आ सकते हैं टेक्स्ट फाइल का लेके ले आ सकते हैं जेसॉन का लेके आ सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से पीडीएफ फाइल से स्पेशल फाइल से स्टैटिस्टिकल फाइल से एंड देन सर्वर से भी डेटा लेके आ सकते हैं देर आर मनी सर्वरजाउतेर यहाँ पे मोर पर क्लिक करके आप गूगल ड्राइव से डेटा लेके आ सकते हैं इंस्टॉल्ड कनेक्टर अपने पब्लिक डेटा से लेके आ सकते हैं एंड देन देर आर मैनी कनेक्शन एज वेल तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास ये चीज़ आती है फिर राइट साइड पर चलते हैं तो राइट साइड पर देखें तो हमारे पास ओपन फ्रॉम टेब्ल्यू पब्लिक यहाँ से हमारी ये वाली टैबल्यू पब्लिक की जो वेबसाइट है वहां से हमें ये लिंक करना स्टार्ट कर देगा कि आप यहां पे अपना साइन इन बना ले जो मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको बताया था अगर आपका साइन इन होगा तो आप वहां से भी अपलोड कर सकते हैं अपना डेटा डायरेक्टली कनेक्ट करने के बाद फिर हाउ टू वीडियोज़ पर आप क्लिक करेंगे तो अगेन आपके पास राइट पे यहाँ पे ये यह बताता है कि किस तरीके से आप कोई भी काम कर सकते हैं फिर विज ऑफ द डे आती है जिसने भी किसी ने विजुलाइजेशन बनाई होती है टैबल्यू के ऊपर तो आप यहाँ पर क्लिक करते हैं देन यू कैन एक्चुअली सी दैट विज ऑफ द डे जैसे हमारे पास ये वाली आई है ये जिसने भी बनाई है उनका और उनकी विज ऑफ द डे यहां पे दिखाई जाती है क्योंकि पब्लिक का मतलब यह है कि जितना भी आप काम करेंगे यू कैन ऑल्सो शेयर दैट विद अदर पीपल एज वेल एंड देन वी हैव अदर थिंग्स ऑन द राइट साइड विच इज विज ऑफ द डे हियर एंड देन रिसोर्स ब्लॉग्स सैंपल डेटा सेट्स एंड करंट स्टेटस यहीं से आप सैंपल डेटा सेट पर क्लिक करके भी यहाँ पर डेटा लेके आ सकते हैं जो हमने ऑलरेडी देख लिया हुआ है सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली क्लिक ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा सेट मैं यहाँ पे अब अगर डेटा को अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एक्सल पे क्लिक करूँगा यहाँ से अपनी शीट लेके आऊँगा जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिए ओपन कर लूंगा एंड दिस इज हाउ यू कैन ओपन एनी काइंड ऑफ डेटा सेट अब हम इसी डेटा सेट को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर छोटी छोटी लेक्चर्स के अंदर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी अगर आप एग्री करते हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर वन।